चाहिए, इसको गूगल करे, सम्राट चौधरी विधायक भी रहा हुआ है, इसको जानकारी पहले राष्ट्रीय जनता दल राजनीति का अल्प ज्ञानी है। पहला बात सबसे, एक मिनट, तुम बोले हम सुन रहे थे ना, तुम बोले हम सुन रहे थे ना। एक मेरा सवाल इनसे है, ये जो चीनी मिल का चर्चा कर रहे थे, दरभंगा महाराज ने कितने रुपए में चीनी मिल बिहार सरकार को दिया था और बंद हुआ किसके रीजन में, और चालू किसके रीजन में नहीं हुआ? एक मिनट, 2004 में अगर मान लीजिए अटल जी की सरकार बंद हुआ, तो 2004 से 9 तक इनकी सरकार थी, ओल्ड पेंशन क्यों नहीं चालू हुआ? आप बोले संविधान का, ठीक है, जब इमरजेंसी लगाया गया था, ठीक है, इमरजेंसी लगाने के बाद जो संविधान में संशोधन हुआ, 42 एक सेकंड रुक जा, 42वां संशोधन जब हुआ, ठीक है, उसमें क्या किया गया था, जब इंडिया आजाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंबल है उसमें कहीं भी धर्म निरपेक्ष और समाजवाद ये कहीं भी नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज किया गया संविधान, यानी उस टाइम में जो इस धर्मनिरपेक्ष वर्ड, यानी जो सेकुलर वर्ड जो है और सोशलिस्ट वर्ड, इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी जोड़ी थी, समझ गए ना, संविधान वहाँ खतरे में था। दरभंगा में शब्द जो है, पहले उसका मतलब सेकुलर का मतलब संविधान में प्रियम्बल में धर्म निरपेक्ष था। 15 दिन तक मधुबनी के सांसद रहे कॉमरेड भोगेंद्र झा जी, 15 दिन अनशन किए हैं संसद के बाहर, तब धर्म निरपेक्ष शब्द को हटा के पंथ निरपेक्ष किया गया है, क्योंकि इंसान अगर अधर्मी हो जाएगा तो देश में क्राइम बढ़ जाएगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मनोज, और फिर एक बार दरभंगा राज परिसर से लाइव डिबेट हम कर रहे हैं। देखिए क्यों डरा रहे हैं? नहीं, हम क्यों डराएंगे? सीए आ जाएगा इस बार, मोदी जी 400 लेके आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मोदी जी अगर लाते ना तो लाते, जरूर लाते हैं, मोदी जी जरूर लाते हैं। यहाँ पर हमारे नौजवान बेरोजगार भाई लोग हैं, मोदी जी क्या बोले थे इसी मैदान में, राज मैदान में बोले थे कि मैं, मेरी सरकार बनेगी तो मैं 2000 युवाओं को साल में रोजगार दूंगा, बोले थे ना। उसके बाद कहे थे ना कि काला धन लेके आऊंगा, बोले थे ना, न रोजगार मिला, काला धन नहीं मिला, नोटबंदी रातों रात नोटबंदी हो गया ना, माँ बहन सब लाइन में लग गया ना, पत्थरबाजी बंद हो गया ना कश्मीर में, उसी से पत्थरबाजी। अब ये बताइए ना, पत्थरबाजी नहीं, आपको एटीएम में लाइन लगाया, 1000 रुपया मिलता था, और किसी का बच्चा हॉस्पिटल में बंद है, किसी का बेटी को शादी करना है, किसी को क्या करना है, कितना 2 महीना तक कितना झेलना पड़ रहा है लोगों को, पूरा भीड़ लगा रहा, फिर बाद में आपने क्या किया, 2000 का नोट दिए, उसके बाद भी तो चुनाव जीत गए ना, उसके बाद और ज्यादा वोट से, 2000 का नोट दिया, नोट लेके जनता एक्सेप्ट नहीं की, मोदी विजय माल्या लेके भागा ना, खजाना खाली कर दिया ना, उस समय उसको घोटाला नहीं नजर आया कि हमारे, नहीं नहीं सुनिए पहले, मोदी को पैसा ये लोग नहीं दिए थे, अब पैसा आप लोग बीजेपी दिया, अरे नहीं मोदी दिया, मोदी दिया, आप लोग समझिए। रही बात कि एक बार बता दें, एक भी बात, एक बार और बता देते हैं आपको, अब सुनिए बाबू, आप नहीं दिया, विजय माल्या का जो पैसा जो है वो कांग्रेस के टर्म में मिला, ठीक है, उसका लोन पास हुआ, आप जाकर के होमवर्क कीजिए, भागने का मौका कौन दिया, भागने का मौका आपकी सरकार थी तो भागने का मौका कौन दिया, भागने का मौका नहीं है, कैसे कौन जाके विदेश में मिला, अमित शाह और ये जाके मिला। अच्छा दूसरा चीज, आप सीए पर बात कर रहे हैं, अब सीए बताते, सीए के बारे में क्या जान रहे हैं, क्या है सीए, क्या है बताइए, आप लोग जो बोल रहे हैं कि सीए कानून छीन लेगा, सबका नागरिकता छीन लेगा, जी नहीं, सीए क्या है, तो क्या चीज के लिए आप भड़का रहे हैं लोग को, तुम यहाँ के बसिंदा हो तो रहोगे, नहीं तो तुमको बाहर भेज देंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल, आपके घर में, आपके घर में कौन रहेगा, जो आप हैं आप नहीं, हमारे घर में दूसरा आदमी आके रह जाएगा, वोट देता है कि नहीं, उतना दिन से वोट दे रहा था जिसको आप कह रहे थे कि इसको नागरिकता छीना जाएगा, उतना दिन तक नहीं चला, लेकिन अरे आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं ना, मुसलमान का विरोध करके हम हिंदू का वोट लेंगे, तो हिंदू में तो आपने बैकवर्ड बनाया, फॉरवर्ड बनाया, सुनिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाए ना, ये मनुस्मृति में बनाया, सुन लीजिए, अब सुनिए पहले, आपने मंदिर से अलग रखा, अछूत बना के रखा, छुआछूत माना, वही अछूत का बेटा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का संविधान निर्माण करके एक एक नागरिक को
ऐसे बना दिया है कि शान से सीना उठा के चल सकता है, कभी कोई उसमें नहीं करेगा, सीना उठा के चल सकता है। पहले तेजस्वी यादव से जाके पूछिए कि वोट किसके लिए मांग रहे हैं। जाके पूर्णिया में देखिए, कहते हैं या तो एनडीए को वोट दे दीजिए या इंडिया को वोट दीजिए। उनको ये नहीं पता है कि वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव सुन लीजिए, तेजस्वी यादव वो सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीति सेकने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। नहीं तो आज देखिए सेवक जो बिहार के सेवक है, पहले बताओ ना, पहले सम्राट चौधरी को कौन बनाया था? अमित शाह बनाया था। जनता उसको एक बार भी नहीं चुनी। सम्राट चौधरी को जनता कितने बार चुनी है? आम जनता कितने बार चुनी है? एक बार नीतीश कुमार है प्रधानमंत्री। अरे नीतीश कुमार, लालू यादव जी, लालू यादव जी, इसको राजनीति का अल्प ज्ञान है, इसको बता देना चाहिए, इसको गूगल करे। सम्राट चौधरी विधायक भी रहा हुआ है, इसको जानकारी पहले राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का अल्प ज्ञानी है। राष्ट्रीय सबसे एक मिनट, तुम बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना, तुम बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना। एक मेरा सवाल इनसे है, ये जो चीनी मिल का चर्चा कर रहे थे, दरभंगा महाराज ने कितने रुपए में चीनी मिल बिहार सरकार को दिया था और बंद हुआ किसके रीजन में और चालू किसके रीजन में नहीं हुआ? एक मिनट, 2004 में अगर मान लीजिए अटल जी की सरकार बंद हुआ तो 2004 से 9 तक इनकी सरकार थी, ओल्ड पेंशन क्यों नहीं चालू हुआ? बाकी चीजें इनकी सरकार में क्यों नहीं हुआ? आज इनको सिर्फ वोट लेना है, मुद्दों से भटकना है और कोई बात नहीं है। इनके पास स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास स्थानीय कोई नेता नहीं है। इसका सवाल का जवाब है, इसका सवाल का जवाब जब नीतीश कुमार नीतीश कुमार 16 महीना के लिए, सुनिए नीतीश कुमार, एक मिनट, छोटे व्यापारी सब मारे जा रहे हैं, उसपे कौन दे? अभी वो भारत सरकार का नहीं है क्या? यहाँ तक दरभंगा की मुद्दा है, सही सही में परिवर्तन होना चाहिए, तभी जाकर के विकास होगी। ये 5 साल में गोपाल जी ठाकुर सिर्फ और सिर्फ घर में बैठे हैं, जनता के बीच नहीं आए, ये फैक्ट है। जनता के बीच नहीं आए बाबू, एक मिनट सुनो, जनता के बीच नहीं आए हैं क्योंकि कैमरा में नहीं आ पाएगा। सारा डेवलपमेंट जो अभी चल रहा है काम, आपको जो बेला गुमती में है उधर फातिमी जी जिस घर पे जिस ब्रिज पे, एक मिनट, नहीं नहीं बोले जी, एक बात, पैसा आ गया तो नहीं, पैसा एक नॉर्मल जो वार्ड पार्षद होता है वो तो अपने वार्ड में हर घर के जाना संभव नहीं होता। ये विधानसभा 6 विधानसभा का मामला है, हर किसी के दरवाजे बजा के सांसद का काम नहीं है, घर के दरवाजे का काम करे। उसके लिए उसका काम है संसद के माध्यम से, जो विकास की इतनी बड़ी गंगा जो बहा दी गई, इतना बड़ा आपको मुजफ्फरपुर दरभंगा रेलवे लाइन में 2500 करोड़ रुपया आया है, उस डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे? सकरी हसनपुर की रेलवे लाइन की बात नहीं करेंगे? चुनाव जब आता है तो देखिएगा नाली का शिलान्यास होता है, रोड का शिलान्यास होता है, जब चुनाव खत्म होगा फिर सब सूझ जाएगा। पैसा सबका, केंद्र योजना का पूरा पैसा आ चुका है, और इस बार जो जनता वोट देगी वो गोपाल जी से किए हुए पूरे काम का वादा करने के लिए। पैसा तो एम्स का भी आ चुकी थी, अभी तक एम्स का है, मोदी जी बन गया, दरभंगा में एम्स बन गया। अब सवाल है कि 16 साल नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, उसके बाद 16 महीना हमारे साथ रहे, तो 16 साल में इनको युवाओं के रोजगार नहीं सुझाई दिया, लेकिन कम से कम सुनिए एक बार, मेरी बात सुनिए, उसका 16 महीना में अभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे हैं, तो अगले बार आप हटा दीजिएगा, आपने क्या कांग्रेस कर लीजिए, अरे चला रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी और वही चलाएगा, अभी नहीं, अभी आप जो है
सारे विपक्ष को समझा दीजिए कि ये जो 24 जो है ना, 24 तो सब विपक्ष को भी पता है, इसीलिए विपक्ष को मालूम है कि ईडी और सीबीआई इसे लेके गुजरात माने दिल्ली में केजरीवाल जो काम किया है, जो स्कूल बनाया है उसमें जो है सो यहाँ का सुनिए, अब सुनिए, नहीं नहीं सुनो सुनो पहले, अरे आपको कौन किया था, अच्छा अच्छा झारखंड में क्या हुआ था, तो करप्शन के कारण ही अंदर है, बिला वजह बेखौफ अंदर है, अगर अंदर है केजरीवाल का जो कंप्लेन है वो कौन किया था, कांग्रेसी कंप्लेन किया था कि करप्ट है, कांग्रेसी कंप्लेन किया कि ये करप्ट है, आप इसको जेल में डालिए, तो डाल दिया, अब आप मिल गए हैं तो अब ठीक है, आप ये बताइए झारखंड के मुख्यमंत्री क्या किए थे, ऐसे ऐसे सुनिए, इनके पास कोई शस्त्र नहीं है, भाजपा और नरेंद्र मोदी के पास, वो सिर्फ सीबीआई ईडी से डरा करके सबको रखता है, आज चिराग पासवान भी उसके साथ जो है, अरे आप क्यों डरोगे, आपको पहचानता है जो डरोगे, आपसे ताकत है उसको, आपसे ताकत नहीं है उसको तो मिलेगा, चलिए हम बता दें आज का एक सवाल और है, राजद के साथी से एक बात पूछिए, शिल्पी गौतम हत्याकांड, बलात्कार कांड, जिस राज्य में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, आईपीएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, विधायक की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, अरे सबसे पहले सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा आपको याद होगा क्या हुआ था इसी बीच में, तो उस समय इन लोगों के पास कोई है, कम से कम नर्सों का बलात्कार और डॉक्टर अपहरण तो नहीं हो रहा आज के दिन, जब हमारे घर की बेटी सुरक्षित नहीं, बाल गिरी देखिए मुजफ्फरपुर वाली कांड, इतनी बड़ी कांड थी, आज बीजेपी उसको क्यों शामिल कर लिया, कि मिट्टी में मिल जाएंगे उसमें नहीं घुमाएंगे, लेकिन कैसे करप्शन को, कोर्ट का मामला है, वो संज्ञान में है और वो कोर्ट उसका फैसला देगी, उस पर जो विस्तृत जानकारी आनी थी वो कोर्ट में जमा है, बीजेपी का एक ही है, मेरे में आओगे तो दूध का धोला हो जाओगे, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का महिला सेल का पूरे जगह, नारायण राणे कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा कौन है, अजित पवार कौन है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, अगर आरजेडी करप्ट है, अगर आरजेडी करप्ट है तो आरजेडी का नेता, आरजेडी का सम्राट चौधरी बीजेपी में कहां से आ गया, सम्राट चौधरी के ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, अगर सिद्ध कर देंगे, साबित कर, आरजेडी बिल्कुल करप्ट है, तेजस्वी यादव हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी आचार्य हो, जब उनका कोई बिजनेस नहीं है तो करोड़ों अरबों के मालिक कैसे, आज ही आपके जो कैंडिडेट आए हैं वो क्या उनके उनका कर दीजिए, उनका उनके ऊपर आप सिटिंग बैठा दे, दलित का नाखून नोचने वाला, दलित का नाखून नोचने वाला, हम जनता है, बीजेपी गलत करेगी हम बोलेंगे, आरजेडी गलत करेगी हम बोलेंगे, क्योंकि हम जनता है, हम किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता तो है नहीं, इनकी तरह कि हम एक तरफा बात करें, अच्छा एक चीज बताइए, इसीलिए लोग कहते हैं कि संविधान बचाना है, क्योंकि आप लोग ईडी सीबीआई सबका है, तो इसीलिए लोग हैं कि 400 पार हो जाएगा तो आप लोग संविधान बनाएगा अपने तरीके से, ईडी सीबीआई जो है आज हम सत्ता में है तो कह रहे हैं कि मोदी जी उसको हैंडल कर रहे हैं, तो जब वो ये लोग सत्ता में लगातार इतना लंबा समय रहे हैं तो ईडी सीबीआई का यूज इन लोगों ने नहीं किया है क्या, और हमने किया है, इसका प्रमाण है कहीं, उसे मोदी जी कहीं है, संविधान का जवाब हम देते हैं, एक सेकंड आप बोले संविधान का, ठीक है, जब इमरजेंसी लगाया गया था, ठीक है, इमरजेंसी लगाने के बाद जो संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संशोधन जब हुआ, ठीक है, उसमें क्या किया गया था, जब इंडिया आजाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंबल है उसमें कहीं भी धर्म निरपेक्ष और समाजवाद ये कहीं भी नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज किया गया संविधान, यानी उस टाइम में जो धर्म निरपेक्ष वर्ड, यानी जो सेकुलर वर्ड जो है और सोशलिस्ट वर्ड, इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी जोड़ी थी, समझ गए ना, संविधान वहां खतरे में था, दरभंगा में शब्द जो है, पहले उसका मतलब सेकुलर का मतलब संविधान में प्रियम्बल में धर्म निरपेक्ष था, 15 दिन तक मधुबनी के सांसद रहे कॉमरेड भोगेंद्र झा जी, 15 दिन अनशन किए हैं संसद के बाहर, तब धर्म निरपेक्ष
शब्द को हटा के पंथ निरपेक्ष किया गया है, क्योंकि इंसान अगर अधर्मी हो जाएगा तो देश में क्राइम बढ़ जाएगा। ये 1947 में जब 1950 में जब इमरजेंसी लगाने वाले भी कहते हैं कि संविधान खतरे में। एक बात बताइए, कोई भी सरकार शिक्षा इमरजेंसी तो कार बात करती है, वो सिर्फ पूंजीपति वालों को करोड़ों में सिर्फ। अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि संविधान में कितना अनुच्छेद है, कितना धारा है, बता नहीं पाएंगे, लेकिन कहते हैं संविधान खतरे में। 1950 सुनिए, दरभंगा का एक हाल देखिए। आज से कुछ दिन पहले एक प्राइवेट अस्पताल, आप लोग भी जान रहे होंगे, शुक्ला जी का, उनके आईडी का छापा पड़ा। अभी वो बीजेपी में शामिल हो गए, दूध के धुले हुए हो गए। अब तो हम एक चीज बताते हैं, जो कोई भी संविधान का बात बोलता है वो बहुत ही गलत बात है। इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ डाइवर्सिटी इन इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी है। यहाँ पर संविधान कभी खतरा में नहीं हो सकता है, और यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं आ सकता है, चाहे कोई भी सरकार रहे, क्योंकि यहाँ ये तो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, ये कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय जनता महागठबंधन कर रहे हैं संविधान खतरे में चाहेंगे। इनके लिए भाजपा मंच नहीं सजा के देगी। ये आईआईटी खोले हैं, एम्स खोले हैं, अपने मुंह से न बोलेंगे कि भाजपा इतना खर्चा करती है अपना प्रचार करने के लिए कि कांग्रेस का प्रचार करने के लिए। अच्छा, वो तो सिर्फ अपना ही प्रचार करते हैं। एक बात बताइए, अगर गली गली स्मार्ट सिटी खुल रहा है तो ये जो 5-10 दुकानदार है गरीब लोग, आयुष्मान भारत 5 लाख का गरीबों का तो बच रहा है ना, आयुष्मान भारत। एक बात बताइए, आयुष्मान भारत बहुत का इलाज आयुष्मान कार्ड लेकर फूट फाट पे जितना भी दुकानदार है सबको 10-10 हजार रुपए लोन मिल रहा है नगर निगम से। किसके रीजन में? आरजेडी के रीजन में कि एनडीए के रीजन में? इसका जवाब दे। अभी जो बहुत दिन से नौकरी नहीं था, नौकरी किसके रीजन में मिला है? अभी बीपीएससी का टीचर का बहाली स्थगित कर दिया गया है, पेपर लीक, एसएससी जीडी का पेपर लीक। जवाब देते हैं, इसका जो इतना वैकेंसी आया किसके रीजन में आया? 2004 से या 2005 से 2020 तक कोई वैकेंसी नहीं। अग्निवीर को तो वही तो कह रहे हैं कि अग्निवीर जो आप कई बात है, इसमें अग्निवीर कितना दिन में आप उसको रिटायर कर देते हैं? अग्निवीर में खराबी क्या है? अग्निवीर में खराबी क्या है? खराबी क्या है? एक अग्निवीर का सोल्जर रहेगा, एक परमानेंट वाला सोल्जर रहेगा। परमानेंट वाला और अग्निवीर वाला दोनों साथ में शहीद होगा। परमानेंट वाले को पेंशन मिलेगा, इसको शहीद का दर्जा मिलेगा। अच्छा, शहीद का दर्जा मिलेगा। अच्छा सुनिए, शहीद का जो बात बोल रहे हैं ना, शहीदी की बात समझ गए। ये चीज जो है इसमें सुधार जरूरी है। उनको शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है। पेंशन जो है बता रहे हैं, शॉर्ट सर्विस, वो शॉर्ट सर्विस के थ्रू उसका ज्वाइनिंग हो रहा है। अच्छा, उसकी चार बता रहे हैं तो चलिए हम बता दें। देखिए, ये प्रतिदिन रहेगा और हमारा समय बहुत पूरा हो चुका है, और हम बता दें मुद्दा काफी है, और बता दें यही लोग युवा जो बोलते हैं उसका व्यापक असर पड़ता है क्षेत्र में। जब लोग पूछते हैं, जनता पूछती है इस बार चुनाव में प्रत्याशी किस मुद्दे पर आती है, कल फिर हम आएंगे आपको दरभंगा राज में, वो तमाम वक्ता जो बोलने में सक्षम है, जो युवा बोलने में सक्षम है आए, ताकि हम आपकी बातों का जवाब दे सके, उनसे पूछ सके। धन्यवाद सुनीति जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 बहुत बोल रहा है। ग्रेजुएशन करके ठेला पे चाय बेचे तो वो मेरा रोजगार है। पकौड़ा बेचता तब तो अभी तो तब तब ना मेरे यहाँ बिल गेट चाय पीने आएंगे, हम वायरल हो जाएंगे, करोड़पति बनेंगे। आप सुनिए, 4 लाख दे के बीबीए कीजिए, 4 हजार कमाइए, पकौड़ा बेच, पकौड़ा बेच। नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हारे अंदर का गलती गड़बड़ी है ना, कि तुम 4 लाख। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बोल दीजिए। शिकायत नहीं है ना बीजेपी से, जनता से, हम जनता है, हम सबका विरोध करते हैं। बहुत नॉलेज, धन्यवाद। आप लोग के विचार जनता तक पहुंचेगा तो लोग, धन्यवाद, आउट है, धन्यवाद, धन्यवाद, हमको बस धन्यवाद।